यस, गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग 500 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 6 आपको कल तक के सेशन में मिल चुके हैं। यदि आपने कोई भी सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ऊपर आई बटन पर जाकर भी आप वीडियो की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि आप 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं जिसमें इसी तरीके के सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप हमें 8770803840 पर जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आज के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि कल इवनिंग में लाइव सेशन हुआ था, उसके अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया था। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है। हम बच्चे को प्रेरित करना चाहते, उसको मोटिवेट करना चाहते, तो वो क्या हो सकता है? निरंतर सुदृढ़ीकरण बोल सकते हो आप उसको, कंटिन्यू रेनफोर्समेंट बोल सकते हो। क्या ये चीज़ें ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती, या फिर ये रेनफोर्समेंट कहलाएगा, या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस आप इसे बोल सकते हैं। तो एक बच्चे को प्रेरित करने की बात यहाँ पर की गई है, उत्तेजित करने की बात की गई, तो इसे बोला जाता है रेनफोर्समेंट। हम लोग नहीं बोलते बच्चों को मोटिवेट करना है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? रेनफोर्स करना चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? आप एज अ टीचर की तरह समावेशी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी क्या होना चाहिए? आप एक दंड देने वाले बनेंगे, आप एक केयर टेकर बनेंगे, आप एक अन्वेषक बनेंगे, या फिर एक सहायक बनेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या होना होगा, आपको एक फैसिलिटेटर यानी सहायक की तरह कार्य करना होगा। आपको ध्यान में आ रहा होगा इस प्रकार के जो क्वेश्चन हम 2 से 3 तरीके से देखते हैं। जैसे कि एक कोई भी क्लासरूम हो गया, जैसे यहाँ पर ही पूछा हुआ है कि समावेशी कक्षा में आप काम कर रहे हो, आपका रोल क्या होगा? ऐसे पूछा जाता है बच्चों के जीवन में टीचर का रोल क्या होता है, अध्यापक का रोल क्या होता है, और पेरेंट्स का रोल क्या होता है। तो 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। या तो ऑप्शन में आपको फैसिलिटेटर मिलेगा, सहायक मिलेगा, या फिर एक होता है गाइडर, ठीक है, मार्गदर्शक। 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखना आप क्वेश्चन क्या आ रहा है, वैसे आपको फिर आंसर करना होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा है, टीचर एक सहायक के रूप में बच्चे की मदद कर सकता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके थे, बट एक बार कोई नई रिवीजन कर लेते हैं। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को साथ में रखते हैं तो ये अभिवृत्ति का कौन सा परीक्षण बताता है, किस विशेषता को बताता है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हम लोग यदि बुद्धि की बात करें तो ये उनका स्थानिक चिंतन यहाँ पर बताएगा, स्पेशल थिंकिंग को बताएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या जुड़ी हुई रहती है? तो हृदय विकार के साथ हमारा जुड़ा हुआ है डाउन सिंड्रोम। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हृदय विकार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था किसे माना जाता है? तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पर मानते हैं प्रारंभिक बचपन की अवस्था, या फिर आप इसे 2 से 6 वर्ष की अवस्था यहाँ पर बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धि होती है? जैसे हमने हवाई जहाज वाला देखा था, वैसे ही मूर्तिकारों में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी बुद्धि होती है, स्पेशल स्थानिक बुद्धि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकृतिवादी जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, अंतर्व्यक्तित्व तो आपको पता ही, उनका व्यक्तित्व तो किस तरीके का होता है, शारीरिक काइनेस्थेटिक भी आपको पता है, फिजिकल एक्टिविटी वाले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय में प्रदर्शन की सफलता सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में बच्चा यदि प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें सफलता सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इससे बच्चों को किस कार्य में मदद मिलती है? अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में, परीक्षा प्राप्त करना, परीक्षा पास करना, तीसरा है पुरस्कार जीतना, या अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो बच्चे यदि क्लास में सफल हो रहे तो वो क्या बन जाएंगे? एक आत्मविश्वास उनके अंदर आएगा, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, अनसेल्फिश होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं, या फिर परोपकारी होते हैं? तो स्टार्टिंग में बच्चे काफ़ी ज़्यादा ईगो सेंट्रिक होते हैं, स्वकेंद्रित जिसे हम लोग बोलते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होना चाहिए? एक्स्ट्रोवर्ट व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अपने आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त हो, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, या तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे, यानी कि फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट उस बच्चे को पसंद हो। तो देखो, बहिर्मुखी मतलब उसे लोगों से बातचीत करना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो अपने आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन की ओर प्रवृत्त हो, मतलब अपने में ही घुला मिला रहे, पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है सिर्फ निरीक्षण करे, सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करे, कुछ काम ना करे।
तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं बैठ रही है। ठीक है, तीसरा है अधिक चिंतन और बातचीत कम करें, चिंतन ज़्यादा करें, सोचे ज़्यादा और बातचीत बिल्कुल ही ना करें, कम करें, तो ये भी एक्स्ट्रोवर्ट तो नहीं होगा, इसे हम लोग इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी है तीव्र वातावरण में रहना पसंद करें, तो डेफिनेटली तीव्र वातावरण में रहना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जहाँ पर आसपास के लोग बातचीत कर रहे हैं वो उनसे बातचीत करेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा। आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द किससे लिया गया है? पहला ही ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है, दूसरा है ग्रीक से लिया गया है, तीसरा लैटिन से लिया गया और फोर्थ हमारा जर्मन भाषा का शब्द है। तो हम चैप्टर में पढ़ते हैं पर्सनालिटी हमारा लैटिन भाषा का शब्द है जो पर्सोना से लिया गया है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनालिटी आपका लैटिन भाषा का शब्द यहाँ पर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, ठीक है, इसका कारण क्या है? मतलब बच्चों को ये फियर रहता है उनको चोट लग जाएगी, एक प्रकार की चिंता बन जाती है, इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप ऑटिज्म बोलोगे, इसे आप ADHD बोलोगे, इसे आप एंजाइटी बोलोगे या फिर एक लर्निंग डिसेबिलिटी है? बच्चों के चोट लगने की बात हो रही है, पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, राइट? लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगा, ऑटिज्म की बात नहीं हो रही, उसका हर एक डेवलपमेंट कम होगा, ठीक है, या बहुत धीमी गति से होगा, ऑटिज्म की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ADHD बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, हाइपर एक्टिव नहीं है, इसकी बात भी नहीं हो रही। बच्चे को सीधी साधी से चोट लगने का एक फियर रहता है और ये जब फियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो एक एंजाइटी का रूप ले लेता है, तो ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर आप इसको बोल सकते हो। मन में उसकी ये फियर बैठ गया है कि वो कुछ भी करेगा वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? शरीर द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव या फिर प्रेरणा? देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर दिया, क्या बता रहा है? व्यक्तिगत अंतर, ठीक है, अपना खुद का अंतर नहीं है जिसकी वजह से हमारा अधिगम प्रभावित हो सकता है, तो यहाँ पर बॉडी मास हम लोग बोल सकते हैं क्या? देखो बुद्धिमत्ता अधिगम को प्रभावित करती है, एक्सपीरियंस करता है, मोटिवेशन डेफिनेटली करता है, लेकिन आपके बॉडी मास, आपके द्रव्यमान, आपके शरीर का इससे कोई संबंध नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तिगत परीक्षण हो सकता है? वाक्य पूर्णता, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, NEOFFI टेस्ट या फिर 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरी, 16 व्यक्तित्व, 16 PF टेस्ट नॉर्मली इसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, या फिर लॉकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का ठिकाना। तो देखो चारों चीज़ों के बारे में हम लोग ने एक बार डिस्कस किया था, आई थिंक NEO के बारे में हम लोगों ने नहीं किया हो, लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन जहाँ पर हम लोग बच्चों को एक देते हैं कुछ भी चीज़ लिखने को, वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाली चीज़ें रहती, वहाँ पर बच्चा अपने विचारों के हिसाब से, अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उस चीज़ को फील करता है। नॉर्मली बताएं तो क्या आपको गुस्सा आता है? हाँ नहीं में जवाब रहेगा, या फिर कोई भी सेंटेंस हमने दे दिया वो उसको फील करेगा जो उसकी पर्सनालिटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, उसके व्यक्तित्व को बताएगा। तो ये चीज़ें कैटल द्वारा तैयार की गई नहीं है। 16 PF फैक्टर जो है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनरी, मतलब व्यक्ति को जानने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, यू आर इंट्रोवर्ट, नहीं एक्सट्रोवर्ट हो, इस तरीके से 16 अलग अलग तरीके के फैक्ट दिखाए जाते हैं, तो वो रेमंड कैटल के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फिर आता है लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होगा? लोकस ऑफ कंट्रोल पर्सनालिटी के दो टाइप बताता है, मे बी व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी हो, या फिर वो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, उसके सोचने के दो तरीके होते हैं, उनको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये NEOFFI क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 16 PF टेस्ट जो हमारा आंसर था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 16 कौन कौन से व्यक्ति के प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, माइल्ड है, उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, तार्किक है, इसी तरीके से आप चाहे तो ये 16 ही प्रकार जो है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सेल्फ रियलाइंस है, अपने बारे में सोचता है। ठीक है, जितने भी प्रकार दिखे हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यक्ति डोमिनेंट हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 PF फैक्टर। इसके बाद एक चीज़ आती है जो कि आपको ऑप्शन में दिख रही थी, लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कैटल के द्वारा क्या तैयार किया गया है? 16 PF मतलब व्यक्तित्व पर्सनालिटी के 16 अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ये रेमंड कैटल ने बताए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। अब लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? तो व्यक्ति दो तरीके से हो सकता है, एक तो इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है, उसके व्यक्तित्व का प्रकार। अब इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, एक बार जब मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी तब एक एग्जाम्पल मैंने लिया था
कि आपको एक टेस्ट दिया जा रहा है, एक टीचर के द्वारा आपको एक टेस्ट दिया गया है। अब दो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, एक जो काफ़ी चीज़ों को इंटरनली लेकर चलता है और काफ़ी एक एक्सटर्नल वाला व्यक्ति। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, एक इंटरनल वाला व्यक्ति जो इंटरनली सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, उस टेस्ट को कैसे देखेगा। मान लो उस टेस्ट में उसको 20 में से 10 नंबर ही आते हैं, मतलब 10 नंबर ही आ रहे हैं उस बच्चे के, वो ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलती करी होगी या फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए मुझे केवल 10 नंबर आए हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नली थिंकर है, ये एक्सटर्नली थिंकर इस चीज़ को कैसे लेगा, ये मान लो इसको 20 में से 20 में से 12 नंबर भी आए, और ये इसके लिए कम है क्योंकि 10 या 12 नंबर हम लोग एक नॉर्मल मानकर चले तो 15-16 आना चाहिए, इसको 12 नंबर आए, लेकिन ये गलती किसकी निकालेगा, ये गलती निकालेगा टीचर की कि टीचर ने टेस्ट पेपर अच्छे से सेट नहीं किया है, टीचर ने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिए इस तरीके से। मतलब ये सारा जो जो भी गलती होती है, जो भी मिस्टेक होती है, वो किसी और के ऊपर डाल देता है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेता है। लेकिन ये जो इंटरनल बिहेवियर वाला व्यक्ति होता है, जिसका सोचने का तरीका इंटरनल आप बोल सकते हैं, जिसे बोला जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण का तरीका, वो अपने अंदर चेंज करने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती हो रही है, मुझे अपने आप के अंदर चेंज करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है। मान लो कोई भी चीज़ बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, तो वो अपने खुद को ऐसा बना लेगा कि वो कैसे ना कैसे करके उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेगा। और ये जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, बाहरी नियंत्रण का जो तरीका होता है, ये व्यक्ति कुछ नहीं करता है, ये व्यक्ति जितना भी कार्य होता है वो सारा का सारा अपना फेट, अपनी किस्मत के ऊपर डाल देता है कि जो भी होगा मेरी किस्मत से होगा, अच्छा होगा तो मेरी किस्मत, और ना हुआ तो मतलब कुछ भी, अपने किस्मत, अपनी लक वगैरह में बिलीव करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब देखने का नज़रिया भी यदि आप बोलेंगे तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि आप नियंत्रण का ठिकाना बोल दो, देखने का नज़रिया आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा नहीं गया था। एक इसके अंदर आया है NEOFFI टेस्ट। तो हमने बिग 5 फैक्टर पढ़ा हुआ है, बिग 5 फैक्टर, जिसके अंदर हम लोग ओशन मॉडल की बात करते हैं कि ओशन मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके उस फैक्टर को बनाया गया NEOFFI फैक्टर। अब ये FFI क्या है, FFI होता है 5 फैक्टर इन्वेंट्री, ठीक है, वही बिग 5 फैक्टर की बात हो रही है। और NEO क्या होता है, N फॉर न्यूरोटिज्म होता है, E से एक्सट्रावर्जन होता है, और O से होता है ओपननेस। एक बार सबसे पहले हम लोग बिग 5 फैक्टर पर जाते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, हमने जो पहले से पढ़ रखा है और जो एग्जैक्ट हमारा बिग 5 मॉडल था, यानी कि ओशन मॉडल था, उसमें पहला भाग आता है। हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, हम लोग इसको ओशन पढ़ते हैं, है ना, OCEAN। ओ से क्या होता है, ओपननेस, व्यक्ति कैसा है, खुले विचारों वाला है। सी से मतलब व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ है। ई से मतलब व्यक्ति बहिर्मुखी प्रवृत्ति का है। ए से व्यक्ति एग्रीएबल है, हर चीज़ पर सहमत हो जाता है। और हम लोग एन से बोलते हैं व्यक्ति जो है मनोविक्षुब्धता है, व्यक्ति के अंदर क्या है, मनोविक्षुब्धता है। यदि आप इसको कन्वर्ट करें तो ओशन बोल सकते हो और कैनोए मॉडल आप इसको बोल सकते हो। लेकिन मनोविक्षुब्धता क्या होती है, न्यूरोटिज्म क्या होता है, व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होता रहता है, मतलब व्यक्ति जो है काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल होता है, व्यक्ति का अपने इमोशंस पर, अपने जो बोल सकते हैं इमोशंस जो होता है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। इस तरीके से मनोविक्षुब्धता जो शब्द है इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन ये जब ये NEOFFI फैक्टर आया था तो इसमें क्या बताया कि आपका जो ओशन मॉडल है, मतलब कि जो बिग 5 फैक्टर का ओशन मॉडल है, उसमें आप एन को थोड़ा सा चेंज करके स्टेबल बनाइए। अब हम लोग देखते ही हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते, बहुत सारे व्यक्ति कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनका एक फिक्स बिहेवियर होता है, कैसी भी सिचुएशन हो, वो हार रहे हो जीत हो, कैसी भी हो, वो एक कांस्टेंट कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, एक फिक्स स्थिति में रहना पसंद करते हैं। लाइक एक एग्जांपल ले तो MS धोनी, अगर वो जीत भी जाते तो वो इतनी खुशी नहीं मनाते, और हार भी जाते तो वो उसका दुख नहीं मनाते, मतलब वो क्या है, एक स्टेबल व्यक्ति है। लेकिन हमने ओशन मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि व्यक्ति न्यूरोटिज्म होता है, मतलब उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो उस शब्द को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर क्या बना दिया गया, स्टेबल बना दिया गया। अब आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, ओ से हमारा ओपन है, सी से हमारा यहाँ पर कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो गया, ई से हमारा बहिर्मुखी व्यक्ति हो गया, ठीक है, ए से हमारा एग्रीएबल सहमत हो गया, और एन को यहाँ पर इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया। ठीक है, तो ओशन मॉडल के अंदर ही थोड़ा सा चेंज किया गया, जिसको नाम दिया गया NEO
FFI. वैसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था बट ऑप्शन में था, इसके लिए हमने डिस्कस किया है. N से न्यूरोटिज्म होता है, E से एक्सट्रोवर्ट होता है, O से ओपननेस होती है और FFI हमारा 5 फैक्टर इन्वेंट्री है. ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो गया और इसका डिटेल आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया. आई थिंक समझ में आ गया होगा कि न्यूरोटिज्म को यहाँ पर चेंज क्यों किया गया और क्यों उसको स्टेबल बनाया गया. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान क्या है? मतलब एक योग्यता परीक्षा, आप एक टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, अब वो भविष्य में सफल होगा असफल होगा, उसको क्या अचीवमेंट मिलेगा, इसका आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो. तो उस अंदाज़ा या जो भी आपने प्रेडिक्शन वगैरह लगाया है, पॉसिबिलिटी जो है, उसको आप क्या बोलोगे? एक प्रोबेबिलिटी बोलोगे, एक निश्चितता बोलोगे, एक प्रश्न बोलोगे, या फिर आप इसे एक धारणा बोल सकते हो. क्या आंसर आपको लग रहा है यहाँ पर सही हो सकता है? आप बच्चों का कोई भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हो, आप उसके फ्यूचर आउटकम को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक संभावना हो सकती है कि वो फ्यूचर में अगर इस टेस्ट में पास हो सकता है तो वो फ्यूचर में उस कार्य को लेकर या उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर अचीव कर सकता है. आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. मान लो हम लोग एक टेस्ट देने वाले टीचिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों को टीचिंग फील्ड में जाना है तो टेस्ट उसी से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि हाँ, पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि आप फ्यूचर में जाकर एक बहुत अच्छे टीचर बन पाओगे. जैसा कि आप पैडागोजी वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है, उसके कर्तव्य वगैरह क्या होते हैं, आप उस पर खरे उतर पाओगे. तो ये क्या है? एक प्रकार की संभावना है. अब करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? सहसंबंध, कोरिलेशन, आगमन, आकस्मिक या फिर निगमन. उदाहरण से सामान्यीकरण की तरफ बढ़ना तो आगमन कहलाता है, आगमनात्मक विधि कहलाता है, और सामान्यीकरण से उदाहरण की तरफ बढ़ना, ठीक है, तो ये निगमन विधि होगा. अभी आपसे ये पूछा गया था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा. अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. अल्बर्ट बांडूरा का क्वेश्चन है. अल्बर्ट बांडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते हैं, इसका अर्थ क्या है? परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे का कारण बनता है. किसी का परिवेश किसी के व्यवहार का कारण बनता है, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है, या फिर किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र रहता है. अल्बर्ट बांडूरा की थ्योरी को याद करो, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी को उनकी याद करो. वहाँ पर क्या होता है, एक बच्चा वातावरण से देखकर चीज़ों को सीखता है, जैसे वीडियो गेम भी हो गया, तो बच्चा जैसा वीडियो गेम में देखता है वैसा का वैसा चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेता है. सेम थिंग यहाँ पर बात हो रही है, नियतवाद की बात हो रही है. तो ये चीज़ें कैसे होती है? पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है. सेम चीज़ हो रही है कि जैसा बच्चे का परिवेश है, जैसे बच्चे के आसपास का वातावरण है, वैसा का वैसा उसका व्यवहार हो जाएगा. आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार का कारण बन जाएगा, क्या ये चीज़ आपसे बोली गई है? या फिर तीसरा बोला गया है कि किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहेगा या फिर स्वतंत्र रहेगा, मतलब कि कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो गलत है, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे को ये सारे कारण जो है, ये सारी चीज़ें जो है क्या करती है, एक तरीके से प्रभावित करती है. तो परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे का कारण बनता है. जैसा बच्चे का परिवेश होगा वैसा ही उसका व्यवहार हो जाएगा. इस तरीके से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती है. आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. स्मृति को निम्न विधि के द्वारा मापा जाता है. स्मृति को आप कैसे मापते हो? पुनरुत्पादन, रिकॉल करके, साक्षात्कार करके, अवलोकन करके, या फिर प्रयोग करके. अब आपको देखना है कि आपको पुरानी कितनी चीज़ें याद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉल करना पड़ेगा. पुरानी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? फिर से याद करना पड़ेगा कि वो आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही है. आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर अपने लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? नकारात्मक दृष्टिकोण की बात हो रही है, नेगेटिव एटीट्यूड की बात हो रही है, उसके लिए आप किस शब्द का प्रयोग करोगे? मतलब कि अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं मेल को ऑब्लिक करती हूँ, या फिर उनके ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट देती हूँ. ठीक है, आप फीमेल के ऊपर, आप मेल हैं तो फीमेल के ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये चीज़ें क्या बताती है? ये चीज़ें पितृसत्ता को बताती है, जातिगत भूमिकाएं बताती है, लिंग भेद को बताती है, या फिर सामाजिकरण की चीज़ें ये हो सकती है. तो सामाजिकरण तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि आप नकारात्मक दृष्टिकोण किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिंग भेद को प्रदर्शित करती है. आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3.
अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, किसी की आनुवंशिकता ब्लैंक खाली स्थान के समय निर्धारित हो जाती है, मैच्योरिटी के समय, गर्भधारण के समय, ग्रोथ के समय या फिर बर्थ जन्म के समय। तो किसी की भी आनुवंशिकता कब निर्धारित हो जाती है, जब गर्भधारण होता है तभी से आनुवंशिकता उसका जो हेरिडिटी पॉइंट है वो निर्धारित हो जाता है। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को खाली स्थान छात्रों के रूप में जाना जाता है, क्या वो निर्भर छात्र होते हैं, क्या वो अलग थलग छात्र होते हैं, क्या वो आभासी होते हैं या फिर वो सामाजिक हो सकते हैं। तो देखो, सामाजिक रूप से जो अपरिपक्व छात्र हैं, जिन्हें अपरिपक्व रह गए या जिनमें विकास डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, इमैच्योर जो छात्र हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होना मतलब कि किसी और व्यक्ति के ऊपर वो हमेशा डिपेंड रहते हैं। हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। जो हम लोग बोलते नहीं आत्मनिर्भर भारत, मतलब स्वयं खुद से ही करेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। लेकिन जो अपरिपक्व छात्र है वो हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंड रहना उनकी आदत बन जाती है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या होती है, किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, तीसरा है प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, और अगला है अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छा और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। हार्वर्ड गार्डनर की हमने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। तो उन्होंने आध्यात्मिक बौद्धिकता जो है हमारा इस इंटेलिजेंस के बारे में बताया। तो ये चीज़ें क्या बताती है, आध्यात्मिक ज्ञान होना मतलब क्या होना, हम जीवन के उद्देश्यों से संबंध में जटिल समस्याओं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसके ऊपर क्या कर पाते हैं, विचार कर पाते हैं। यही चीज़ें क्या बताती है, हमारी स्पिरिचुअल जो क्वालिटी होती है, हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है उसको यहाँ पर बताने की कोशिश करता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। आखिर ये चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं हमारे हार्वर्ड गार्डनर के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बुद्धि के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिस इज़ योर होमवर्क, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है, एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है। दूसरा, मानदंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तीसरा, उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से लर्नर की योग्यता निर्धारित करने के लिए इसे किया जाता है, या फिर शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद क्या है, क्योंकि यह शिक्षार्थी यानी लर्नर के गुण और दोष को जानने में मदद करता है। ठीक है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में पढ़कर समझिएगा कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या बोल रहा है और इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकलेगा। ओके, चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 तक हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे की सीरीज़ आपके नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट की जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।